श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय भगवान ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उनका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पिता महाभगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उन 100 वर्ष का नाम पर है, उनका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे भगवान विष्णु का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेश को काष्ठा कहते हैं, 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्षयुक्त एक मास होता है, 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सतम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मन्वंतर होता है, यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मन्वंतर में 852,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मन्वंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष का है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना भगवान ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नामितिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवन लोक और स्वर्ग लोक तीनों जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जन लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जन लोक वासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए भगवान नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शय्या पर शयन करते हैं और उनके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि
गणना से भगवान ब्रह्मा का एक वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। भगवान ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उन महात्मा अर्थात भगवान ब्रह्मा की परमायु हैं। हे अनघ, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वारह नामक पहला कल्प कहाँ गया है? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।